दोस्तों आज हम खेलेंगे रेड फैक्शन इन्फेस्टेशन। इसमें हमें बहुत सारे एलियंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे वेपन्स मिलने वाले हैं, गंदे कीड़े मकोड़े। चलो देखते हैं। ये हमारे हथियार आ गए पहले जो हमें चूज़ करने हैं। फ़िलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम जब वेव 1, 2, 3, 4 क्रॉस करते जाएंगे तो हमें नए नए वेपन्स भी अपग्रेड होते जाएंगे। मुझे चार्ज लॉन्चर ले लेना चाहिए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और सबसे अच्छा बंदूक है जिंग 5000। वाओ, अब वेव स्टार्ट होने वाला है। अब नए नए एलियंस देखते हैं कौन कौन से आते हैं। हमने अभी पिस्टल ले रखी है, लो ये आ गए। ये वाले कीड़े सबसे बेकार लगते हैं ये, क्योंकि बी बॉय कर करके मारते हैं, घूम घूम के, कूद कूद के। अभी देखना मैं इसको कैसे, ये देखो ये देखो, ऐसे कीड़ों को मैं पैर से कुचल देता हूँ। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है ये रिकंस्ट्रक्शन का, कि कुछ भी चीज़ टूट जाए तो आप रिकंस्ट्रक्ट करके उसके पीछे रह सकते हो। मतलब आपके लिए एक एक चीज़ हो जाती है जिसके पीछे आप अपने आप को छुपा सकते हो या बचा सकते हो। गोली भरने का अंदाज देखो, वेरी नाइस। और जब गोलियां ख़त्म हो जाती है उसकी आवाज़ इसमें बहुत ही अच्छी दी गई है। ओके, वेपन्स इसमें मिलते रहते हैं ताकि शॉर्टेज ना हो वेपन। ओ माय गॉड, इतनी बुरी बहुत, कैसे क्या मरा हो कुछ पता नहीं। अब पहले कहीं पे छुप चलते हैं। ये एक नया कैपेबिलिटी है, ये एक्स दबाने से आती है। तो इसमें क्या होता है, एक सर्कल बन जाता है, एक पावर सर्कल बन जाता है जिसके अंदर कोई आ नहीं सकता, बट आप किसी को भी शूट आउट कर सकते हो और आपकी गोलियां बाहर तक जाती हैं और दूसरों का कुछ भी चीज़ अंदर नहीं आता। मतलब कुछ भी अटैक करते हैं वो तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ये छोटे छोटे गंदे पिस्सू हैं। ओ माय गॉड, ये बम कब से फेंकने लगे हैं, रॉकेट। हथियार लेते रहो भाई। अभी वो गेंडा स्वामी भी आने वाला है, थूकने वाला गेंडा स्वामी। ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है। अब देखो इसमें आप जब टॉप में देखोगे तो ये रेड रेड जो छोटे छोटे स्कैनर में दिखते हैं ना, वो बताते हैं कि कहाँ पे एलियंस आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो उस स्कैन से आपको पता लग जाता है और फिर आप उधर ही जाओ और शूट करने लगो। ये वाले जो एलियंस है ये उछलते बहुत हैं, जैसे ये देखो आप इसको, दीवार पे चिपक जाते हैं एंड कूदते रहते हैं इधर उधर और आपका डैमेज काफी कर जाते हैं। बट ये देखो फिर छुपा हुआ इधर। अब ये देखो, ये देखो इसने कर दिया कांड, रॉकेट छोड़ा, भगवान जाने कहाँ से छोड़ा। ये वेव वन है और वेव वन ही अभी हमें क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, बाकी 22 वेव्स हैं ऑल ओवर। देखते हैं कितना क्रॉस कर सकते हैं।
ये तो छोटे मोटे, ओ ये वेव तो खत्म। तुमने 17 किल किए हैं। ये बहुत अच्छी राइफल है, इसी की ग्रेनेड भेज रहे नैनाइट्स। चलो बढ़िया है भाई, जिंग 5000, वेरी नाइस। चलो स्टार्ट करते हैं अब। ये देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। बर्सर्क शेल, जो हमने फॉर्मेशन की थी उसको शेल बोलते हैं। अब भैया खड़े नहीं रहना, नहीं तो ले ली जाएगी तुम्हारी। ओ वाओ, ओ मुझे ये गन अच्छी लगी। इसमें नैनाइट्स है जो चाहे कोई भी एलियन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब चबा जाते हैं, खा जाते हैं। ये बहुत अच्छी गन है, देखो देखो, ओ माय गॉड, इफेक्ट्स देखो। अब इसके ये जब तक चलता रहेगा उसके बीच में कोई भी आता है तो वो डिसइंटीग्रेट कर देता है शायद। वेरी नाइस, ऐसी गनी चाहिए जो काम तमाम करे एक बार में। गलत जगह लग गया लगता है। इसको तो मैं कुचल दूंगा, ये देखो कुचल दिया मैंने। ओ वाओ, इसको बोलते हैं मजा। ऐसी गन होनी चाहिए बिल्कुल। ये कैपेबिलिटी अच्छी है कि मैं डिस्ट्रक्ट भी कर रहा हूँ और मैं फिर से रिकंस्ट्रक्ट भी कर रहा हूँ। देखो कैसे पार्टिकल में बन जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ गया, क्या हालत कर दी है मैंने। कुछ लो इसको, ये अच्छी चीज है, दिस इज नाइस। अभी एक बचा हुआ है कहीं पे छुपा हुआ है, ये रहा। वेव सेकेंड एंड्स, हमने 18-16 किल्स किए हैं। ये हो गया वेव 3 स्टार्ट। इसमें देखते हैं कौन कौन से नए एलियंस आते हैं। मुझे तो यही वेपन सबसे सही लग रहा है, मुझे लगता है मैं यही यूज़ करता रहूँगा। मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो गई है, मुझे भागना पड़ेगा छुप छुप के। ये तो गए, इनकी तो हैप्पी बर्थडे हो गई। और इसका लेकिन मज़ा आया इस गन का, इफेक्ट्स देखो, इफेक्ट तो बहुत ही मस्त है। अपने पास 21 है, ये लेते रहो भैया नया नया, क्योंकि वो गेंडा स्वामी आएगा तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वो थूकने वाला जो होता है वो एक बार में ही पूरा ख़त्म कर देता है।
पूरा ही उड़ा दिया इसने तो। बहुत बढ़िया भाई, ये एक्स्ट्रा पावर्स ले लेते हैं, पूरी इन्वेंटरी फुल हो जाएगी। तो हमारे पास 23 हो चुके हैं और इसको पहले उड़ाते हैं। वेरी नाइस। वो कैसे कैसे मरते हैं ये लोग, उनको मैं बहुत बुरी मौत देता हूँ। ये ले तू भी जा, ये ले, मेरा तो कुछ नहीं हुआ पर तेरा हो गया बहुत कुछ। और इनके आसपास जो भी आते हैं ना, जब तक वो एक्टिव रहता है तो वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। और भी कोई है क्या? अभी दो हैं, दो तीन तीन एलियंस हैं और मेरी तरफ ही आ रहे हैं। ओह माय गॉड, चार हैं। एक तो इधर ही छुपा हुआ है, इसको तो पीस दूंगा मैं। ये तो गया, इसकी तो गई। ओ माय गॉड, कौन मार रहा भैया? ये फिर है। तो अपना वेव थ्री भी एंड हो चुका है, अब हम लोग वेव फोर में एंटर कर रहे हैं शायद। यस वेव फोर। कोई नया वेपन नहीं आएगा? अपने पास जिंग 5000 है और एक अपने पास पिस्टल है, लेज़र पिस्टल। मैं आपको लेज़र पिस्टल का भी यूज़ करके दिखाऊंगा अभी। ये रहा लेज़र पिस्टल, चलो देखते हैं अभी। अब लगता है जैसे जैसे लेवल बढ़ता है या वेव बढ़ता है, वैसे वैसे खतरनाक एलियंस आने लगते हैं और बहुत सारे आते हैं। देखो धमा चौकड़ी शुरू हो गई। ये मोटा वाला ही है क्या? गेंडर स्वामी आया क्या? लग तो नहीं रहा कि गेंडर स्वामी है। ये तो गया। ओह माय गॉड, मारो 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 इसको, कुचल डाला इसको। पिस्सू ये सारे नए नए वेपन है, मैं कोई ऐसा असॉल्ट राइफल या कुछ तो यूज कर नहीं रहा हूँ इधर अभी फिलहाल। ले लो भाई एक्स्ट्रा वेपन, हथियारों की बहुत ज़रूरत है। ये तो गदर मचा रहा है हथियार, मैं तो सबसे फुंगी बजाते जा रहा हूँ बार बार। अब वो गेंडा स्वामी आ गया तो कहीं मेरी ना मार ले। मेरे ख्याल से इसमें आएगा भी कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि वो लेवल्स डिवाइडेड हैं, उसके अकॉर्डिंग आता होगा शायद। तो अगर मतलब 1 से 5 लेवल में अगर वो आ जाएगा तो फिर असली एलियन कब आएगा?
ओ बच गया भाई, अब इधर से निकलूंगा कैसे? वेरी गुड, मार दिया इसने मुझे। लग घेर के मारते हैं यार। भागते जाओ भाई, भागते जाओ, पहले उस स्पेस पे पहुंचो, छुपने वाली जगह में। ये तो सारा खाली एरिया है, इसमें तो मारे जाएंगे। ये ना, ये पता नहीं क्या स्कैन करता है बिल्कुल, और पता नहीं कहाँ से निशाना मारता है, एक बार में वो ख़त्म हो जाती है डैमेज। तो दो दो पड़े हुए, कुछ ले नहीं सकते हैं। वेरी नाइस, अब आओ बेटा बताता हूँ, मैं छुप छुप के ठोकूंगा। कोई आ नहीं रहा यार, क्या बात है। वेरी गुड, इधर छुपे हो तुम, अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ इधर। शोर इतना खतरनाक मचाता नहीं, ये बहुत खतरनाक है। ये तो गया, चलो हमारा वेव एंड हुआ ही है। मैंने बस 26 ही लोगों को मारा। ये आ गया वेव 5। Proceed to the objective, soldiers. माय गॉड यार, अब डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पिछले बार में 16 आए थे एलियंस, फिर उसके बाद 26 आए, अब और आएंगे इसमें। हाँ, यही था भाई, इधर ही बैठे रहो, आसपास ही आएंगे वो। आते ही होंगे, देखो आ गए, पिस्तू आ गए। अरे यार गलत बंदूक चला रहा हूँ मैं डियर, ये तो डेटोनेटर वाला है, चेंज करो फटाफट। ये देखो, वेरी नाइस, ऐसे ही बैठ जाया करो जहाँ पे मैं छोड़ू नैनाइट। एक बात तो है, जहाँ पे ये बंदूक गोली चलाती है ना, उधर उस आसपास कोई आने का वो नहीं करता हिम्मत। ये देखो इसकी तो गई। ओ, अब तेरा क्या होगा खाली है। इसको तो मैं कुचल दूंगा। ओ भाई, गेंडा स्वामी आ गया, ये गेंडा स्वामी, ये थूकता है भाई बहुत दूर दूर तक, और इस पे जल्दी असर भी नहीं पड़ता। अब ये थूकने पे आ गया, ये पान खाता है थूकता है। ओ, और ये दौड़ता हुआ आता है यार, पीछा और करता है ये। लगता है गया क्या, कि नीचे गिर गया। कैसी हालत कर दी है टाइल्स की। मुझे गोलियां लेनी पड़ेगी यार, 12 ही है केवल। शिट मैन, वो तो गेंडा स्वामी मेरी बजा के चला जाएगा। इसमें फ्लोर जो टूट जाते हैं ना, तो इसमें नीचे चले जाते हैं, और वो गेंडा स्वामी बैठे बिठाए ले लेता है।
भागते इतना जोर है यार। मतलब गोली मार के सीधे निकल लेते हैं और तुम ढूंढते रहो कि क्या कहाँ मारना है। भाई ले ले बंदूक ले ले। ये गोलियां चाहिए मुझे भाई, 7 बची है और गेंडा स्वामी आसपास ही है। ये तो गया, वेरी नाइस। 14 कुछ तो बड़ा। इसने तो कोहराम मचा दिया बंदूक ने। फिर आ गया थुक्कड़। माय गॉड यार, ये दो दो थुक्कड़ आए थे क्या? गोलियां हैं नहीं मेरे पास उतनी। चलो बढ़ी तो सही। ये है ओ भाई ये रहा थुक्कड़। माय गॉड, देख रहे हो क्या कोहराम मचाता है ये। इसकी आवाज सुनो, जहां जा रहा हूं उधर ही बैठा हुआ है, उधर ही चल रहा है वो। ओ माय गॉड, भागो यहां से, गिर गया मैं नीचे। चलो मेरे पास गोलियां तो अच्छी खासी हो गई। थुक्कड़ आ गया, देखा असर देखो इसके बंदूक का, गोलियों का। इससे ना पंगे लेना है, इससे बढ़िया है कि भाग ही लो। मतलब पान थोड़ा सा खाता है, थूकता उसका 4 गुना है। ओहो भागो, वेव खत्म। वेरी नाइस, यानी लटक गया वो। इसमें 38 आए थे, वेरी नाइस। ये है वेव अपना 6। यार कोई नई बंदूक मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है? तो बस सोचो मत, अब तो बस मारते रहो। बहुत ज्यादा आने वाले हैं अब एलियंस। ओ भाई के, निकल लो इधर से, चटनी बन जाएगी नहीं तो। स्कैनर पे देखो बस बंदे ही बंदे हैं, एलियंस ही एलियंस हर जगह। अब गोली वेस्ट करो बस इन पे, बस गोली फेंकते रहो और ये जगह चेंज कर लेते हैं। भाई रुका करो उधर, इतने मुश्किल से टारगेट लेते हैं और फिर निकल लेते हैं ये लोग। ये देखो अब इस, ये तो बच गया, ये तो गया। देखो कैसे हुआ,
पंगे लेने आ रहा था उससे पहले ही मैंने इसकी ले ली। बेटा हल्का राइफल नहीं है मैं, बस नैनो राइफल है, नैनो जिंग 5000। इसमें इतने नैनाइट्स भरे होते हैं कि वो उधर ही जो है डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। इसको तो मैंने कुचल दिया। ये कौन था भाई, गेंडा स्वामी था क्या? ओहो, इस चलने की आवाज देखो, उसी से आधा डर जाता है बंदा तो, कि कोई गेंड। ओ भाई ये तो पीछा कर रहा है। ओहो अब नहीं छोड़ेगा ये मुझे, भाग लो भाई। ओह माय गॉड, ये इधर क्या, ये चिपक के क्या करते हैं भाई, चमगादड़ की तरह तुम लोग क्या करते हो, छुप छुप के वेट करते रहते हैं कि बंदा आए और उसको ठोके। अरे भाई गेंडा बैठा हुआ है, गेंडे को मारो। गया गेंडा तो, गया गेंडा, गया इस बार तो एक ही नहीं होगा ना, और भी होगा। गोलियां भी 11 बची हैं बस। शिट मैन, ओ भाई भाग लो, लगता है गेंडा आ रहा है। ओ गेंडे, गेंडा आ गया भाई। ओ भाई निकल लो। ओ भाई के गेंडा है इधर तो, मैं फंस के गेंडे के बीच में। निकल लो भाई, तो बखिया उधेड़ेगा वो मेरी। ये और आ जाता कहीं पे भी। ओ इसकी तो मैंने पुंगी बजा दी भाई। इसकी आवाज सुनो भाई चलने की, गेंडे की। ये गेंडा आधी आधा चीज तो, ये आधा डरा तो अपने उसी से देता है, चल चलने फिरने की उस आवाज से डरा देता है। अब ना बचूंगा मैं भाई, ये नीचे ही है मेरे, लेकिन मैं उसको मारूं कैसे। इधर ही कहीं कूद रहा है, ये चल रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो देखो, इधर बैठा है, इधर चल रहा है भाई। इसको मारूं कैसे मैं, पहले मैं इसको तोड़ता हूँ। ओ इसने ही तोड़ दिया, इसको तो मैं कुचल डालूंगा। ओए होए, कोई काम नहीं करने देता भाई। बार बार मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और बंदे जो हैं, यार एक तो गोली कहीं और चला और लग कहीं और जाती है। वो रहा वो रहा वो रहा, थुक्कड़ भाई थुक्कड़। भाई कहीं पीछा ना करने लगे ये। देखो उसकी आवाज, देखो आवाज सुनो उसकी, गेंडे की।
इधर ही है बस, जस्ट मेरे नीचे है। ओह माय की, नीचे दिख गया मुझे। अब इसको मारना पड़ेगा देख के, चालाकी से। ये साला उधर ही जाके जो है बैठ जाता है। ये देखो इधर नीचे आके बैठा हुआ है। ये देखो उधर जा रहा है, सूंघ लेता है क्या ये? लो फिर गलती हो गई। गैंडे के बीच में हूँ गैंडा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वेरी नाइस, काम तमाम करो यार। ये मार कौन रहा है बार बार? ये लास्ट था क्या? चलो